हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए फिर से ऐसे कुकिंग टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ऐसे टिप्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम शकरकंद को बिल्कुल अलग तरीके से पकाएंगे जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, साथ ही इसका जो पोषक तत्व है वो भी इसमें बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है फॉइल पेपर और इसमें हमें एक एक करके ये शकरकंद को फोल्ड करना है और इसी तरीके से सारे शकरकंद हमें रेडी करने हैं। अब यहाँ पर हमें इसे भूनना है, लेकिन हम इसे आग पर मतलब गैस पर डायरेक्ट भूनेंगे। मैंने स्टैंड रख लिया है ताकि हम एक साथ कई सारे शकरकंद इस तरीके से भून पाएं और इसे अलटते पलटते आपको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक ये हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए हम इसे भून रहे हैं और इस तरीके से भूनने से इसमें एक स्टीम रेडी होती है जिससे ये अंदर तक अच्छे तरीके से पकेंगे और इसमें जो मीठापन है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसे पानी में उबालते हैं तो सारे जो इसकी स्वीटनेस है, इसके पोषक तत्व हैं, वो सारे निकल जाते हैं जिससे स्वीट पोटैटो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे उबालने से या ऐसे भूनने से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेन बात ये है कि इसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। तो अब इसे ठंडा करने के बाद हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से भून चुके हैं, मतलब इसमें एक स्पॉट्स आ चुके हैं और थोड़ी थोड़ी इसमें स्टीम भी बन चुकी है, आपको क्लियरली दिख रही है। इसके स्टीम बनने की वजह से ये शकरकंद पके हैं, वो भी डायरेक्ट गैस पर। वैसे ये चूल्हे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन चूल्हा तो अब हर घर में होता नहीं है। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद हमें इसे छीलना है, तो बहुत आसानी से आप इसे इस तरीके से भी छील पाएंगे, लेकिन मैं अपना काम थोड़ा जल्दी करने के लिए इसे चाकू से छीलूंगी। मतलब आपको नाइफ से इसे डायरेक्ट फटाफट इस तरीके से छील लेना है ताकि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इस तरीके से छील कर आपको इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पके हैं। और इस तरीके से आपने कभी शकरकंद को भूना नहीं होगा, इस तरीके से आप भून कर देखिए। तो ये देखिए हमने अब इसके छोटे पीसेस किए हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काला नमक चाट मसाला डालकर इसे परोसा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, मीठा नमकीन चटपटा बहुत लाजवाब लग रहा है। तो अगर आपको घर पे मौसमी ऑरेंज जैसे फ्रूट का जूस निकालना हो और अगर आपके पास कोई ग्राइंडर मिक्सर या फिर जूसर या इलेक्ट्रिक जूसर जैसा कोई भी गैजेट नहीं है तो आपको ये नुस्खा बड़ा ही काम आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बोल में कांच के ग्लास को उल्टा रखा है और अब हमें ऑरेंज को बीच से कट करके इसे स्क्वीज करते हुए आपको जूस निकालना है। कुछ ही सेकेंड में सारा ऑरेंज का जो प्योर जूस है आपको बोल में नज़र आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत आसानी से जूस निकल आता है। लेकिन अगर आपके पास कांच का ग्लास नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने यहाँ पर एक और तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक विस्क। अब विस्क हर घर में आपको मिलेगा, बस आपको विस्क से जो ऑरेंज हाफ ऑरेंज है उसे बीच में रख कर आपको राउंड घुमाना है और 15 सेकेंड में सारा जो जूस है बोल में आपको नज़र आएगा। मतलब बहुत आसान तरीके से आप प्योर जूस घर पर बिना कोई गैजेट के बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। ये देख सकते हैं आप कि हमने जूस निकाल लिया है, बस अब हमें इसे छान लेना है ताकि इसके सारे जो बीज है वो छन्नी में रह जाए और आपको अच्छा प्योर जूस ग्लास पे आप निकाल कर इसका मज़ा ले सकते हैं। तो नॉनस्टिक तवे में हमेशा डोसा बनाकर अगर तवे का हाल इस तरीके से हो जाए तो इसमें आपको डालना है थोड़ा सा नमक और तवे को हमने गर्म कर लिया है और इसके ऊपर डालेंगे हम कुछ बूंदे नींबू के रस की। अब नमक जो है वो स्क्रब का काम करता है और नींबू का रस चिकनाई को खींच लेती है और इसे आपको इस तरीके से रब करना है। देखिए अच्छे क्वालिटी का अगर हम नॉनस्टिक तवा लेते हैं तो उस पर हम स्क्रब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सारी कोटिंग जो है निकल जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नमक और नींबू के रस से इसे साफ करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि जो ऑयल वाले दाग है वो थोड़ा सा तवे को गर्म करने से आसानी से छूटने लगते हैं और नमक से घिसाई करने से या फिर नींबू का रस डालकर इसे घिसने से सारी जो गंदगी है वो नींबू के ऊपर आने लगती है और आसानी से ये सारा दाग हट जाता है। बहुत अच्छी टिप है, इस्तेमाल करके देखिए।
तो आज मैं आपको भुने हुए प्याज की तंदूरी चटनी बनाना बताऊंगी। इसके लिए प्याज को आपको भुनना है, लेकिन जल्दी चटनी बनाने के लिए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सारी चीज़ों को स्टैंड में रखकर आपको अच्छे से भून लेना है, जब तक इसमें स्पॉट्स ना आए या फिर इसमें स्मोकी फ्लेवर ना आए। ठंडा होने के बाद हमें इसे छील लेना है और इसे डालना है ग्राइंडर जार में। तो अदरक लहसुन आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर तड़का पैन में लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और इसे गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे। अब यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार में जो सारी चीज़ें डाली है उसी में ही डालना है हमें खड़ा धनिया, थोड़ा सा हमने खड़ा धनिया डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और जो हमने तेल गर्म करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम सूखी लाल मिर्च जो कि तोड़ कर डालेंगे। आप ये भी आपके टेस्ट अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ये हमारी तंदूरी फ्लेवर प्याज टमाटर की स्वादिष्ट नए स्टाइल की चटनी बन चुकी है। इसे आप किसी भी स्टार्टर के साथ या चीले या फिर आपके मन चाहे पकौड़े के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फुल गोभी में कीड़े ज़्यादा है और आपको साफ करने में दिक्कत आ रही है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। तो गोभी को काट कर आपको गर्म पानी में डालकर 1 से 2 उबाल आने तक उबालना है, इससे सारे कीड़े मर जाएंगे और गोभी बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगी। तो बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते वक्त उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे जो प्याज है बहुत ही करारी, क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार बनेगी। मतलब सारे जो लच्छे हैं वो एक समान फ्राई होंगे और बहुत ही अच्छी प्याज फ्राई होती है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हुई है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। बहुत अच्छी टिप है, इस्तेमाल करके देखिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।